Greetings, welcome to the Get Solution India. I am Dr. Nandkishor Yadav. So in this last lecture we were discussing about the two terminal MOSFET. We already calculated the depletion width, okay, and depletion charges in this MOSFET, okay, in the two terminal MOSFET. So humne last lecture mein padha tha ki two terminal MOSFET kya hota hai, humne depletion width ye jo XD hai ये हमने कैलकुलेट कर ली थी, ओके, और हमने देखा था कि मैक्सिमम डिप्लेशन विड्थ कब होती है, द मैक्सिमम डिप्लेशन विड्थ, मैक्सिमम डिप्लेशन विड्थ इज इक्वल टू व्हेन फाई एस इज इक्वल टू माइनस फाई एफ, ओके, सो वी फाइंड आउट डिप्लेशन विड्थ इज द मैक्सिमम विड्थ दिस एंड दैट दिस इज इक्वल टू माइनस, ओके, 2 Y by QNA into minus 2 phi f, okay, and this is the mod, so you just can be remove this minus sign and you can write like this, okay, so this is the maximum depletion width, okay, of a MOSFET, and we already find out that the total depletion charge is Q is equal to minus QNA and WD, okay, so these are the maximum depletion charge. And this can be write like that QD is equal to, okay, QNA by QNA 2 epsilon 2 pi f. Okay, so these are the total number of charge carriers, okay, in this depletion width. Okay, so these are the most important formulas for this MOSFET, okay, these are the important formula, total depletion charge in this, maximum depletion charge and maximum depletion width, so these are the two important formulas. Now we need to find out the threshold voltage. So before further going for the threshold voltage, when this device will on, this device will on after the full depletion, okay, after the full depletion means up to this, okay, full depletion, we suppose that this is the 2 phi f. When 2 phi f voltage is offered, okay, in this case we say that ki device is on. Jab aapka maximum jo potential hai 2 phi f ke barabar ho jata hai, okay, iska matlab ye maximum depletion yahan aa gaya, aur bhi aage tak humne isse dugna depletion kar diya, okay, us time pe aapka inversion aana shuru ho jata hai, matlab extra charge carrier aana shuru ho jata hai. Jab 2 phi f tak potential aapka badh jata hai, matlab ye jo battery potential badhaya, tab inversion aa jata hai. लेकिन इन्वर्जन आने के बाद भी करंट फ्लो नहीं होता. करंट फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फर्दर मॉडिफाइड करना पड़ेगा. फर्दर मॉडिफाइड करने के लिए आपको दो टर्मिनल और ऐड करने पड़ेंगे. दो टर्मिनल वो क्या ऐड होंगे, इसको फर्दर हम आगे एक्सटेंड करेंगे. फर्दर जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये डिवाइस इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा. ओके, जब फर्दर एक्सटेंड किया तो ये डिवाइस इस तरह से हो गया. ओके, अब हम यहाँ दो एक्स्ट्रा टर्मिनल बनाएंगे. ये आपका एन प्लस रीजन हो गया, ये आपका एक और n प्लस रीजन हो गया. ओके, नाउ अब मेरे पास n प्लस रीजन तो हो गए, अब ये सिमेट्रिक डिवाइस हो गया. अब करंट फ्लो अभी भी नहीं होगा, ओके, क्योंकि अभी तक हमने क्या लगा रखा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, प्लस माइनस, यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा रखा है, तो सिर्फ इन्वर्जन आ रहा है. अब करंट फ्लो करना है क्योंकि ये चैनल क्रिएट हो गई, ये आपका एन चैनल बन गया है, एन चैनल बन गया है. जो मैंने पहले बताया था कि डिप्लेशन इन्वर्जन आ गया है, जो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग आपका एन चैनल हो गया, लेकिन करंट का फ्लो होगा जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक जाएंगे, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएंगे. अब इलेक्ट्रॉन यहां से या यहां इधर से कैसे जाएंगे, यहां पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एन प्लस है, यहां पे आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये भी एन प्लस है. किसी भी साइड से इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसको ग्राउंड कर देता हूँ, ओके, इसको ग्राउंड कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ पॉजिटिव, ओके, प्लस माइनस. अगर मैं ये कर देता हूं, व्हेन वी अप्लाई ग्राउंडेड हियर एंड पॉजिटिव वोल्टेज हियर, इन दिस केस, ओके, फोर्स इज क्रिएटेड फ्रॉम बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स, ओके, फोर्स इज क्रिएटेड एंड इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कब होंगे, पहले तो यहां पे आपके नेगेटिव चार्ज थे, अनमोबाइल चार्ज कैरियर थे, दीज आर द अनमोबाइल चार्ज कैरियर, दीज आर द आयन, आयन्स, आयन तो फिक्स होते हैं, अनमोबाइल होते हैं, ठीक है ना, लाइक इंसुलेटर, तो इंसुलेटिंग ये करते हैं, यहां से तो करंट फ्लो हो गई, फिर लेकिन जैसे इन्वर्जन आएगा तो ये आपके माइनस चार्ज के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड होगा और करंट का फ्लो इधर होगा, हाई करंट इधर फ्लो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में. अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ और इसको प्लस
कर देता हूं, तो फिर इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो जाएगी और करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो करंट किधर भी फ्लो हो सकता है, मैं करंट को इधर भी फ्लो करवा सकता हूं, करंट को इधर भी फ्लो कर सकता हूं। ओके, तो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड और दिस साइड टू दिस साइड, डिपेंड ऑन द बायसिंग। इफ बायसिंग इज दिसर हियर इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द ग्राउंडेड, सो देन इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। ओके, और इफ इट इज द ग्राउंडेड, ओके इफ इट इज द ग्राउंडेड एंड दिस इज द पॉजिटिव, in this case current will start flowing from, electron will flow from this side to this side and current will flow from this side to this side. So in this case this terminal is sourcing the electrons, ye terminal aapka electron source kar raha hai, to isko main bolunga source. Okay, agar meri battery idhar hoti to fir ye source ho jata. Okay, aur ye drain kar raha hai is device ko, to ye ho jayega aapka drain, ये सारे कलेक्ट कर रहा है, ओके, ड्रेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका ड्रेन हो जाएगा। तो ड्रेन या सोर्स इट डिपेंड ऑन द बायसिंग। बायसिंग आपने जिधर भी ग्राउंड कर रखा है वो आपका सोर्स होगा, जिधर भी आपने पॉजिटिव वोल्टेज लगा रखा है दैट इज द ड्रेन। सो ड्रेन एंड सोर्स डिपेंड्स ऑन द बायसिंग टेक्निक्स। इफ द पॉजिटिव टर्मिनल इफ वी आर अप्लाइंग ए पॉजिटिव, ओके दैट टर्मिनल इज द ड्रेन, इफ वी अप्लाइंग ए ग्राउंड ग्राउंड इट मींस दैट टर्मिनल इज द सोर्स टर्मिनल। So in this way we will get a MOSFET. So now this is the complete MOSFET, or we can say that the four terminal MOSFET. So this is the four terminal MOSFET, the complete transistor, that's why this is the MOSFET. Okay, so previously it was the four terminal MOS, now it is a metal oxide filled effect transistor. So we are now, this is the complete transistor. Okay, now so it required some voltage, okay, this required some voltage, threshold voltage to create this channel. Okay, so how much this this voltage is required to create a channel? Okay, voltage is required, voltage, minimum voltage to create this channel or to invert the this material. Okay, so how much voltage is required? Up to this 2.5 voltage is required, okay, minimum 2.5 voltage, but various phenomena is there here. ये 2.5 वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फिनोमेना यहाँ पे होता है। एक तो ये आपका ऑक्साइड बीच में है, ये आपका कंडक्टर है, बीच में कंडक्टर हो जाता है, ये ऑक्साइड ऑफ कैपेसिटेंस बनता है। ओके, यहाँ पे पहले से कोई, फॉर एग्जांपल जब इसको फैब्रिकेट किया तो इनिशियल चार्ज कैरियर होंगे, इनिशियल दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द वर्क फंक्शन डिफरेंस विद इन द सेमीकंडक्टर। तो द फर्स्ट voltage is required, the work function difference between this and this, okay, and second terminal is voltage required, gate voltage required. So second voltage क्या होता है? एक तो ये जो voltage difference पहले से था इनके बीच में, okay, तो work function को पहले हमें equalize करना है, जैसे पहले से जो भी voltage था उसको equalize करना है। तो पहले तो इन दोनों के वोल्टेज वर्क फंक्शन डिफरेंस पे डिपेंड करेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आफ्टर दैट इतना वोल्टेज यहां पे अप्लाई करेगा कि ये इन्वर्ट कर दे इस सरफेस को। सो आफ्टर दैट वी रिक्वायर्ड ए सफिशिएंट वोल्टेज सो दैट इट कैन इन्वर्ट दी सरफेस। सो इनिशियल चार्ज, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से पहले से नेगेटिव चार्ज है, यहां पे, ओके, सो व्हेन वी अप्लाई पॉजिटिव हियर, तो फर्स्ट we need to nullify these negative charges, okay, because this is positive, this negative, the when we apply positive here, this negative will nullify here. अगर यहाँ पे दो चार्ज थे negative के और यहाँ पे दो चार्ज लगाए तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पहले तो इनको nullify करने में voltage लग गया। After that अगर मुझे जितना भी voltage लगाना है वो उल्टा voltage लगेगा, तो पहले मुझे initial charge को nullify करना पड़ेगा, okay? तो initial charge of the gate oxide material need to nullify. So, इसको नलीफाई करना पड़ेगा। ये बोलता मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ओके, ऑन विच थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका डिपेंड करता है, ओके, तो अब हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो योर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनिशियली डिपेंड्स ऑन दी वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन दिस चैनल मटेरियल टू दी सेमीकंडक्टर, ओके, सो गेट टू दी सॉरी द गेट मटेरियल टू दिस चैनल मटेरियल, this is the work function difference, okay, first we need to nullify this, after this minus we required voltage 2.5, the voltage required minimum, okay, minimum voltage required to create this
channel. After that, we need a voltage required. Okay, up to how much voltage is required to create this depletion charge carriers? So first we need to create this depletion charge carriers minus to nullify this initial charge carriers. So this is about the initial charge carriers. Initial charge, and this is the depletion charge. So this is the depletion charge, and this is the oxide capacitance. What is the oxide capacitance between capacitance between this? So oxide capacitance depend on COX is depend on COX is depend on epsilon by TOX, oxide thickness. And epsilon is nothing but epsilon zero, epsilon semiconductor by permittivity of is free space, permittivity of silicon material by TOX, oxide thickness. So this is the thickness, oxide thickness. This is the thickness of this material, TOX. So this is the thickness of this material. Okay, so depend on this. So this is the threshold voltage. Again, I like to discuss this. So how much voltage is required to create this channel? Okay, so initially voltage is required the Mohr function difference. Okay, so actual voltage is required up to actual voltage. So how much voltage is required to create a channel? The actual voltage is required to extract the charge carriers from the potential required. The potential required to extract the charge carrier from Fermi level to the free space. Okay, if we are able to extract the charge carrier from Fermi level to free space, it means we have the sufficient conducting charges. So hume total conducting charge carrier mil jayenge. Okay, to ye conducting charge carrier mil jayenge, to itna voltage hume required hota hai device ko on karne ke liye. Lekin usse pehle ye total voltage, the Mohr function difference between, तो ये क्या होता है Mohr function difference between, तो ये किस पे depend करता है? ये depend करता है कि ये तो आपका semiconductor होता है, यहाँ पे आपका metal या gate होता है, okay? तो इन दोनों के Mohr function में जो difference होगा, okay? इन दोनों के Mohr function में जो difference होगा, उस पे depend करेगा कि ये कितना हमें, तो ये gate material और इन दोनों के Mohr function में difference करेगा कि इतना इसमें required है, यहाँ से इतना ले जाने में इतना है, तो ये दोनों के बीच में जो Mohr function difference होगा, ये potential difference, यहाँ पे potential function बनेगा, तो ये potential function में जो difference होगा, okay, तो ये potential function में जो difference होगा, ये depend करेगा, इस पे depend करेगा कि ये कितना voltage मुझे channel to gate to channel required है, okay, लेकिन ये create करने के लिए सबसे पहले हमें depletion charge, यहां पे पहले depletion create होगा. Okay, तो this depend on the depletion charge carriers. Okay, तो इस ये create करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें 2.5F potential लगाना पड़ता है. Okay, तब inversion आता है, उसके बाद में minus depletion charge carrier create करने पड़ते हैं. Okay, उनको पहले remove करना पड़ता है, यहां पे सारे depletion आएगा, और depletion के बाद में फिर initially यहां से कोई charge carrier उनको भी हमें nullify करना पड़ता है, तो depletion charge carrier को nullify करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम voltage लगेंगे तो depletion आ जाता है, voltage लगाते ही inversion नहीं आता है, voltage लगाने के पहले तो depletion आ जाता है, फिर initially charge carrier होता है, उनको भी हमें nullify करना रहता है, okay, फिर 2.5 voltage लगाना पड़ता है, तब जाके अब ये Mohr function के बराबर होता है, तो ये total voltage हमें इतना minus करेंगे, तब हमें total voltage. तो this is the threshold voltage phenomena. Threshold voltage depend on gate to channel Mohr function minus 2.5. Okay, the Fermi potential of semiconductor. Okay, minus Q depletion charge by COX by total initial charge by COX. Okay, now this depletion charge again depend on this substrate voltage, okay, so I can write this is also like that, Vth is equal to Q phi F C. Actually this is the actual threshold voltage, okay, initial, but this also depend on, because for example when we apply negative voltage here, jab hum yahan negative voltage lagayenge to yahan negative voltage hoga, to pehle negative is negative voltage ko nullify karna padega isko output lagane ke liye, okay, to wo voltage bhi lagega, to ye
वर्क ये डिपेंड कर जाता है 2πf माइनस क्यू बी जीरो ओके बॉडी टर्मिनल वोल्टेज ओके बाय सीओक्स माइनस ये डिप्लेशन और इसमें दोनों आगे प्लस क्यू डी ओके माइनस क्यू एनएक्स बाई टीओक्स सीओक्स ओके तो दिस इज द थिस्रो वोल्टेज. तो एक थिस्रो वोल्टेज इक्वल टू बीटीएच इज इक्वल टू क्यू गेट टू चैनल माइनस 2πf फर्मी पोटेंशियल ऑफ सेमीकंडक्टर माइनस क्यू बी प्लस क्यू बी बाय सीओक्स प्लस माइनस क्यू एन एक्स बाय सीओक्स. दिस आर द इनिशियल चार्ज. सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ओके. द बॉडी वोल्टेज डिपेंड ऑन द बॉडी टर्मिनल वोल्टेज ओके. सो बॉडी टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंड ऑन द बॉडी टर्मिनल वोल्टेज. सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस VTH is equal to Q gate to this is suppose that the actual voltage this one okay so this one is equal to minus QB0 minus QB0 by COX this depend on the body by C. So this voltage is depend on the this body by sink. This potential is depend on the body by sink potential. Okay. So this is the threshold voltage. This is threshold voltage. Now this is the body part, body by sink part of this the threshold voltage. Okay. And this body by sink when we apply negative here, so negative charge is collected here. मतलब ये depletion width को और बढ़ा देगा. Okay. Depletion width और sorry यहाँ पे negative charge को और बढ़ा देगा. मतलब ये depletion charge को alter कर रहा है. और depletion charge को मतलब यहाँ पे negative charge को बढ़ा रहा है. इसका मतलब और voltage मुझे लगाना पड़ेगा ताकि पहले तो जो existing negative है उसको मैं nullify करूँ फिर depletion आना शुरू हो. Okay. तो मतलब actual में depletion charge को change कर रहा है. तो ये body bypassing voltage actual में depletion part को चेंज करेगा. तो ये बॉडी बाइसिंग जो चार्जेस हैं द बॉडी बाइसिंग चार्ज बी माइनस बी बी जीरो ओके ये बिफोर द बॉडी बाइसिंग ओके और दिस इज आफ्टर द बॉडी बाइसिंग ओके. सो दिस इज बिफोर बॉडी बाइसिंग बॉडी वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो ओके. सो और ये दिस इज बॉडी बायस वोल्टेज दिस इज बायस वोल्टेज चार्ज. So these are the body by sink voltage is equal to zero charge. Body charge at BSP is equal to zero. Okay, and so this is the body by sink. This is the initial body by sink charge. Okay, when body voltage is equal to zero, and this is the body by sink charge after body by sink. So this is equal to body by sink charge minus okay body by sink charge minus body by sink voltage is equal to zero QB zero. Can we write this okay because I know that the body charge or depletion charge QD is equal to 2 minus 2 epsilon QNA 5F okay 2πf. These are the depletion charge. Okay, so depletion charge after body bypassing is equal to I just writing this here 2 epsilon Q Na minus 2πf plus source to body voltage. Okay, minus this minus I'm writing this minus. So again come under minus okay minus 2 phi q na 2 phi f. These are the charge. So these are the charge initial charge okay. These are the initial charge without body bias charge and this is the with body biasing. These are the with body by sink. अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लेता हूं
माइनस बाहर निकाल लो तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब मुझे इसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है। पोटेंशियल के फॉर्म में कितना आएगा, क्यू वाई बाई सी ऑक्स, तब पोटेंशियल आएगा। तो मैं इसको पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लू अगर लिखना है। ओके, पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है विद बॉडी बाइसिंग वोल्टेज क्या होगा, तो बॉडी बाइसिंग के फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्यू बी माइनस क्यू बी जीरो बाई सी ऑक्स। तो ये बॉडी बाइसिंग वाला थ्रेशोल्ड वोल्टेज आएगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज विद बॉडी बाइसिंग टी बी जीरो बी टी विद बॉडी बाइसिंग। मैं इसको कोई नाम दे देता हूं बी टी बी इज इक्वल टू। ओके, तो यहां पे नीचे आ जाएगा माइनस टू एक्सप्लॉन सिलिकॉन है तो सिलिकॉन आ जाएगा एन ए बाय सी ऑक्स बाय सी ऑक्स दोनों साइड, और ये इक्वेशन बेसिक की बेसिक आ जाएगी। ओके, ये बेसिक की बेसिक आ जाएगी। तो मेरा बॉडी बाइसिंग जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, बॉडी बाइसिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज इक्वल टू क्यू बी माइनस क्यू बी जीरो बाय सी ऑक्स इज इक्वल टू बी टी बी इज इक्वल टू ओके माइनस टू एक्सप्लॉन एस आई एन ए बाय सी ऑक्स। माइनस टू फाइव एफ प्लस बी एस बी माइनस माइनस टू फाइव एफ। ओके, सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आफ्टर बॉडी वाइसिंग। ओके, दिस इज द बॉडी वाइसिंग इफेक्ट वोल्टेज। ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस बी टी बी इज इक्वल टू गामा, ये आपका गामा हो जाएगा, इसको मैं कॉन्स्टेंट पुट कर रहा हूं गामा माइनस टू फाइव एफ प्लस डी एस बी माइनस टू फाइव एफ। तो यह हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्यू टू, सो दिस इज द बॉडी वाइसिंग इफेक्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, चेंज इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, चेंज इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्यू टू बॉडी इफेक्ट बॉडी बायस बाइसिंग। सो दिस इज द चेंज इन थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्यू टू द बॉडी बाइसिंग। सो दिस इज द ऑल अबाउट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द MOSFET।